सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में शुक्रवार को पासिंग आउट परेड में 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु से जवान बने 506 आरक्षियों ने देश की रक्षा की शपथ ली। यहां आयोजित पासिंग आउट परेड में CIND JB SSB ग्वालदम के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नव आरक्षियों ने मार्च पास के बाद खुद को देश के नाम समर्पित करते हुए देश की रक्षा की शपथ ली। पासिंग आउट परेड के बाद SSB का हिस्सा बने नव आरक्षियों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए युद्धाभ्यास, जंगल युद्ध कला सहित सामूहिक व्यायाम, विभिन्न कलाओं का भी प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे आरक्षियों को मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बेसिकली ट्रेनिंग में हम तैयार करते हैं, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और फौज में आपको पता है कि अलग अलग किस्म की सिचुएशंस और विषम परिस्थितियाँ बनती हैं और वहाँ आदमी को ड्यूटी करनी है। आप लगा लीजिए बॉर्डर ड्यूटीज़ हैं, आप लगा लीजिए अगर उग्रवाद क्षेत्र में अगर कहीं काम करना है या नक्सल विरोधी अभियानों में पार्टिसिपेट करना है, तो ये ट्रेनिंग हम इनको जो है मानसिक और शारीरिक तौर पे सशक्त करते हैं इनको। और इसके बाद ये किसी भी किस्म का चैलेंज अगर लाइफ में ये आता है ड्यूटीज़ के दौरान, तो उसको पूरी अपनी कैपेसिटी से, कैपेबिलिटी से जो है इसको पूर्ण करते हैं ये। संवाद 365 के लिए थराली से गिरीश चंदूरा की रिपोर्ट।